सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि आपकी नजर में आखिर सबसे सही वाली कैमरा पार्टनरशिप कौन से स्मार्टफोन ब्रांड ने की है। तो आप इसे बोला है 62% ने कि ये काम किया है वन प्लस ने हैसलब्लैड के साथ में। वैसे 19% वोट्स मिले हैं वीवो और ज़ाइस की पार्टनरशिप को, बाकी तो खैर बहुत ही कम नंबर्स हैं। आज दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके फ़ोन में बैटरी कितने हज़ार mAh की है, मतलब 3000 से कम है या 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से ऊपर। मतलब दोस्तों बताना जरूर क्या है आपका जवाब, सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। या फिर हम बात करते हैं सबसे पहले रियलमी GT Neo 3 512 GB वाले वर्जन को लेकर। दोस्तों यहाँ पे इसको अनाउंस कर दिया गया है, बेसिकली फोन में है 12 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज। रियलमी GT Neo 3 150 W वाले वेरियंट की दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब वैसे इतनी स्टोरेज में क्या स्टोर किया जाता है। वैसे बाय द वे मेरे पास में जो अपना आईफोन है ना, ये 1 TB वाला है और इसमें कितना मेरे ख्याल से 650 GB के आसपास जो है वो यूज्ड है। तो स्टोर तो देखो बहुत कुछ किया जा सकता है। या दोस्तों हमारे पास में एप्पल की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आती है, जहाँ पे एप्पल जो है वो चाइना से बाहर मूव करने की प्लानिंग कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली इंडिया में जैसे बनते हैं फिलहाल आईफोन 13 वगैरह, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स भी, यू नो, प्रो सीरीज लैपटॉप्स, आईपैड, वॉचेस, मतलब बहुत सारा जो कंप्लीट लाइनअप है वो एप्पल प्लानिंग कर रहा है कि चाइना से बाहर मैन्युफैक्चर किया जाए इंडिया में या वियतनाम वगैरह में। मतलब मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा अगर हमें मिलेंगे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड एप्पल के मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स, तो कीमत वगैरह का थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। अगली कहानी आती है सीधा है दोस्तों आईफोन को लेकर, जहाँ पे अगर कीमत की हम बात कर रहे हैं तो आईफोन 14 का दोस्तों सेल्फी कैमरा है अगर हम मानते हैं रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है ना वो आईफोन 13 से कंपेयर करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा हो गई है। मतलब इसका मतलब है तो कैमरा वाला कुछ तगड़ा ऐसे जो है वो नया काम कर दिया है एप्पल ने, या फिर हो सकता है वो अंडर डिस्प्ले, यू नो, पंच होल वगैरह पूरा जो सिस्टम सेटअप किया है उसके चलते कॉस्ट बढ़ी है, या मतलब लेट्स सी वैसे कैसा रहता है सेल्फी वाला पूरा सीन आईफोन 14 के साथ में। हमारे पास में अगली कहानी आती है कैमरा को लेकर, जहाँ भैया वावे और लाइका का ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर दोस्तों वावे ने कंफर्म कर दिया है कि जो लाइका के साथ में इनकी पार्टनरशिप थी वो एकदम ऐसा खत्म हो गई है, लाइका चला गया सीधा अभी शाओमी के पास में। तो मतलब ऐसा अक्सर कंपनीज करती रहती हैं, आज इधर चला कल उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो देखते हैं ऐसे कि शाओमी और लाइका वाले मिलके क्या कुछ नया अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में फिलहाल एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे दोस्तों तीनों ही जो हैं वो लगता है कि दिवाली के आसपास अपना टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। इनको बढ़ाना है ARPU, बोले तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और इसके चलते तीनों भाई आगे पीछे होगा, कभी इसने, लेकिन दोबारा से थोड़ी सी मोबाइल के रिचार्जेस की कीमतें बढ़ने वाली हैं ऐसा रिपोर्ट से हमको मालूम चलता है। हमारे पास में फिलहाल मोटोरोला ने दोस्तों अपना लॉन्च जो है वो फिक्स कर दिया है जुलाई के महीने के लिए, 200 मेगापिक्सल्स वाले कैमरा फोन का। मजा आएगा भाई, देखो बहुत ज़्यादा देखते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर और क्या फीचर्स वगैरह मोटोरोला पैक करता है। और आई मीन 200 मेगापिक्सल्स का अगर कैमरा होगा ना फोन में, जुलाई में आने वाला है, देखते हैं बाकी और खैर इसकी स्पेक्स क्या रहती हैं। बात हो रही है मोटोरोला फ्रंटियर की। यहाँ पे हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है SBI यूजर्स को लेकर, हम दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो अपडेट कर रही है कि भैया स्कैम चल रहा है SMS वाला बहुत ज़्यादा, आपके पैसे वैसे लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे अगर आपको ऐसा कुछ जो है वो मैसेज आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सपायर हो गए हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बात की जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दो। बैंक ऐसा कोई मैसेज कभी नहीं भेजता है। मतलब एक तो भैया जब से स्मार्टफोन्स आए ना तब से आपको लगता है वैसे हैकिंग वैकिंग ज़्यादा ही बढ़ गई है, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। या दोस्तों हमारे पास में अभी ओला के जो CEO है भैया भविष्य अग्रवाल, उन्होंने क्लेम किया है कि जो अभी डिलीवरीज हैं ओला S1 Pro की वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो रही हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ओला S1 Pro की डिलीवरीज हो रही हैं। कीमत वैसे 10,000 इसकी बढ़ गई है जो अभी है 1,39,999 rupees। ट्राई किया जाए वैसे अगर मैं अभी ऑर्डर करूँ तो क्या 24 घंटे के अंदर अंदर आएगा स्कूटर, देखते हैं ऐसे क्या यू नो फ्यूचर रहता है EVs का इंडिया में। हमारे पास में अभी यहाँ पर दोस्तों 5G की जो बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली जियो और एयरटेल जो है वो अगर हम मानते हैं रिपोर्ट्स की ना, तो इस पोजीशन में है पैन इंडिया की वो स्पेक्ट्रम में बिड करेंगी और पैन इंडिया जो है वो खरीदने की बिल्कुल उनकी कोशिश रहेगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया जो है उसको लेकर अभी अनसर्टिनिटी है, बिकॉज पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसा यहाँ पर शायद ज़्यादा नहीं
फिलहाल जो है वो प्रॉफिट्स में है वोडाफोन आइडिया, आई मीन यू नो इट नीड्स लॉट्स ऑफ मनी। देखते हैं वैसे कि जब बिडिंग वगैरह होती है तो आखिर किन सर्कल्स पे किस तरीके से हम देखते हैं जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को बिड वगैरह करते हुए। यहाँ पे हमारे पास में अभी एप्पल के एयरपॉड्स प्रो 2 जो है भैया, इसका जो चार्जिंग केस होगा वो लाइटनिंग पोर्ट वाला ही होगा। यहाँ पे दोस्तों लीक से एक मालूम चला है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एयरपॉड्स प्रो 2 जो आने वाले हैं लाइटनिंग पोर्ट के साथ में एप्पल लॉन्च करेगा। यहाँ पे भी सीधा दोस्तों हमारे पास में कैनन ने EOS R7 और EOS R10 ये पिछले दोस्तों यहाँ पे क्रॉप सेंसर वाले मिररलेस कैमरास हैं इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं, जो कीमत है वो है 80,995 और 127,995। बेसिकली बजट कैमराज हैं मिररलेस कैनन की तरफ से इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पे भी हमारे पास में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 5 आ चुका है और यहाँ पे दोस्तों पहली बार फीमेल लेड कास्ट हमको देखने को मिली है, एक नया यू नो फ्लेवर इस गेम में ऐड करते हुए, तो काफ़ी सही सीन है। अगर आप शौक रखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का तो सीजन 5 को भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हमारे पास में अभी एसुस ने लॉन्च कर दिया भैया ROG स्विफ्ट 500 हर्ट्स वाला दोस्तों गेमिंग मॉनिटर आ गया है। यहाँ पे 24.1 इंच के डिस्प्ले के साथ में, आई मीन एक फुल एचडी डिस्प्ले है लेकिन ये आता है 500 हर्ट्स के साथ में, तो आई मीन बहुत जो एकदम ना इंटरेस्टिंग सा मज़ा है पूरा का पूरा वो हमें इस मॉनिटर में मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे पास में वैसे Xiaomi TV ES Pro आ गया है, 86 इंच का दोस्तों साइज है, इतना बड़ा मतलब काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसको लॉन्च कर दिया है 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। कीमत जो है वो करीब करीब अगर आप करते हैं कन्वर्ट इंडियन रुपीस में तो लाख रुपए के आसपास पड़ती है। तो लाख रुपए में 86 इंच का टीवी तो बहुत सही है, लेकिन Xiaomi के नाम पर 1 लाख रुपए खर्च करना आई डोंट थिंक इतना सही है, बट एनीवे इंडिया में तो अभी तो लॉन्च किया भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में ओप्पो पैड एयर आ गया है स्नैपड्रैगन 680 के साथ में। दोस्तों ये काफ़ी एक ऐसा नया टैबलेट आ गया है ओप्पो की तरफ से, कीमत अगर हम बात करते हैं इंडियन करेंसी में तो करीब 15-16 हज़ार के आसपास होती है। वैसे हम देखते हैं कि इंडिया में ओप्पो अपना ये ओप्पो पैड वगैरह लॉन्च करता है क्या, वैसे टैबलेट तो वन प्लस का भी आने वाला है, तो वन प्लस ओप्पो रियलमी तीनों एक ही फैमिली से आते हैं तो शायद अपने अपने टैबलेट्स लेके आ सकते हैं। जल्दी रियलमी तो लेके आ चुका है मिनी और स्टैंडर्ड, बाकी देखते हैं ब्रांड्स क्या करेंगे। यहाँ पे यार अगला अपडेट निकल के आता है नासा को लेकर, जहाँ भैया नासा ने सीधा आरोप लगा दिया है चाइना के ऊपर कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चुराया है, और ऐसे में चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कड़ी निंदा करते हैं इस यू नो आरोप की, इस एक्विजिशन की। तो अभी ऐसे में देखते हैं क्या बनता है, वैसे कुछ भी हो सकता है, मैं भरोसा नहीं कर सकता चाइना पे इस मामले में। जहाँ पे दोस्तों हमारे पास लास्ट अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो को लेके, जहाँ पे दोस्तों लगता है कि 5G के साथ में जियो जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री को एकदम ऐसा रिवोल्यूशनाइज करने वाला है, मतलब हमको क्लाउड गेमिंग कंसोल लाइक गेमिंग वगैरह बहुत कुछ नया नया मिलने वाला है जियो की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट्स निकल के आती हैं जहाँ पे लगता है दोस्तों यहाँ पे सीनियर VP हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया है वैसे लिंक्डइन पे जो कि आते हैं जियो की तरफ से। तो अभी ऐसे में देखते हैं कि 5G के टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री को जियो किस तरीके से रिवोल्यूशनाइज करता है और क्या कुछ नया नया हमें ऑफर करके दे पाता है। तो दोस्तों बस फिलहाल देता है, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।